हे एवरीवन, दिस इज श्याम चौधरी। आपका स्वागत है श्याम चौधरी ब्लॉग्स में। सो गाइस, आप जो ये देख पा रहे हैं रिक्रूटमेंट नर्सिंग ऑफिसर के रिक्रूटमेंट है सेल से, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से, और ये पोस्ट निकला है राहुल केला स्टील प्लांट से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग नर्सेस ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर निकले हैं टोटल 7 पोस्ट। क्रिटिकल केयर नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए टोटल 20 पोस्ट है, और उसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया जो है एजुकेशन का GNM और BSc नर्सिंग, और आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस रहने वाला है। उसका सैलरी होने वाला है 17,000। सैलरी तो नहीं गई, यहाँ पर आपका जो है स्टाइपेंड रहने वाला है 17,000 रुपीज़। और यहाँ पर और भी एक है एडवांस्ड स्पेशलाइज्ड नर्सिंग ट्रेनिंग SNT। इसका क्वालिफिकेशन है GNM और BSc नर्सिंग। उसके साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रहने वाला है, और उसके लिए सैलरी होगा टोटल 15,000 रुपीज़, और स्टाइपेंड भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रेनिंग साल भी 1 ईयर, मतलब आपका जो ट्रेनिंग रहेगा 1 ईयर का पीरियड रहेगा, उसके बाद आपको वहाँ पर काम मिल सकता है, या फिर आप ट्रेनिंग ख़त्म करके आ भी सकते हैं। और इस यहाँ पर देखा है प्रोसीजर है अप्लाई करने का। आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, और आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर ट्रेनिंग, जो कि आपको हर्ट्स न्यू वेबसाइट के नीचे जो ही मिल जाएगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो फिल करना है, फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म का जो है प्रिंट आउट लेना है, क्योंकि आपको वो इंटरव्यू के दौरान जो आपको सबमिट करना पड़ेगा। प्रिंट आउट लेकर आप सिग्नेचर और जो है डॉक्यूमेंट डिटेल्स आपको फिल करना है, और इंटरव्यू के दौरान आपको वो सबमिट करना है। सो गाइस, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस भी है। Eligible candidates are required to appear the interview on the scheduled date. The new date and time of the interview shall be intimated to the eligible candidates through SMS in their registered mobile number mentioned in the application form. It shall also be notified in the aforesaid website and also to be displayed in the notice board of the RGS. मतलब eligible candidate ही जो है interview attend कर सकते हैं। Eligible candidates are required to attend the interview on the set date and time with the download of printed application for submitted online. Fill in the declaration form and documents verification along with their original as well as the other documents that are needed are like two recent passport size color photographs and all education certificates. अगर आपके पास experience certificate है तो और रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, BPL कार्ड, राशन कार्ड और कोई भी इनकम सर्टिफिकेट, इन तीनों में से। और आपका जो अगर एम्प्लॉई है किसी हॉस्पिटल के, तो फिर NOC आपको वहाँ से चाहिए। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स जो है आप देख पा रहे हैं, स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो 5 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 5 अगस्त 2022 से। और क्लोजिंग डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 28 2022, मतलब 20 अगस्त तक ये है जो है रहने वाला है। आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। पर और गाइस, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म कैसा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट के जाने पर आपको ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। यहाँ पर आप ये जो है सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है नेसेसरी डिटेल्स जो चाहिए वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी एंड एक्सेट्रा डिटेल्स जो है आपको फिलअप करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आप ये फिलअप होने के बाद आपको सबमिट करना है, और जो है डॉक्यूमेंट डिटेल्स और डिक्लेरेशन फॉर्म इसके साथ ही सबमिट करने के बाद आपके प्रिंट के लिए आ जाएगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।